भारत में बढ़ती ठंड के बाद उज्जैन में जिला कलेक्टर ने रैन बसेरों में पहुंचकर जांच की, जहां पर कई जगह पलंग फोड़ मिले और साफ सफाई भी नहीं दिखी। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने रजिस्टर में रुकने वालों की एंट्री और आधार कार्ड डिटेल्स भी चेक की। उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्रा ने रविवार रात 8 बजे के बाद नानाखेड़ा व घास मंडी पर स्थित नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां जाकर रुकने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की व सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। नानाखेड़ा के रैन बसेरों में पलंग फोल्ड करा हुआ पाया गया, जिस पर शशांक मिश्रा ने नाराजगी व्यक्त की और रैन बसेरों की साफ सफाई नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरों की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए। रुकने वाले लोगों को बिस्तर आदि सामग्री व्यवस्थित उपलब्ध कराई जाना चाहिए। उन्होंने रुकने वाले व्यक्तियों के आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र की पड़ताल भी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नगर निगम को विभिन्न स्थानों पर ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाने के आदेश भी दिए हैं।